नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट का जो वीडियो हुआ था उस वीडियो में देखा था सरफेस प्लेट, कि सरफेस प्लेट का मटेरियल क्या होता है, उसके बाद सरफेस प्लेट अगर आपको यूज़ करना है तो उसके प्रिकॉशंस क्या क्या करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट के लेक्चर में कवर की थी। अपना सरफेस प्लेट एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या होता है मेट्रोलॉजी लैब में या किसी वर्कशॉप में, टूल रूम में, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अभी ये सरफेस प्लेट होने के बाद मेन एक और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो क्या होता है कि किसी भी जगह पे इंडस्ट्री में, टूल रूम में या इस पर यूज़ होता है, वो है वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये दो वी ब्लॉक रखे। तो वी ब्लॉक का आपको पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या है, इसके मटेरियल क्या है, इसके ग्रेड कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल रहते हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप ये देख रहे हो ये वी ब्लॉक है। इसको वी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंदर का ये जो शेप है आपका, ये वी टाइप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वी ब्लॉक कहते हैं। इसका मटेरियल जो है वो सीआई है, मतलब कास्ट आयरन है। और इसको क्या होता है, ऊपर का ये सरफेस और ये बॉटम सरफेस, ये परफेक्टली क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। इसके उसके बाद यहाँ पे भी नीचे एक वी बना है और फिर यहाँ पे भी सेम। अभी देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक बटन है, ये बटन किस लिए है कि ये मैग्नेटाइज करने के लिए। मैग्नेटाइज मतलब देखो, अभी मैंने यहाँ पे इसको रखा है, एक मेटेलिक का जॉब मैंने क्या किया इसके ऊपर रखा, तो वो क्या होता है, हिलता है। मतलब उसको अगर आप मेजरमेंट करने जाओगे तो वो हिलेगा। अगर उसको आपको मूव नहीं करना है तो क्या करना है, इसको ये बटन को ऑन कर दो, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने के बाद वो उसको स्टिक हो जाएगा, वो फिर आप मेजरमेंट करते टाइम वो हिलेगा नहीं। ये इसका मेन पर्पज़ है। ये एक वी ब्लॉक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक सिलेंड्रिकल जॉब क्या किया है, माउंट किया है इसके ऊपर। इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं बाद में बताता हूँ। बेसिकली ये जो वी ब्लॉक है, इसके अंदर का जो एंगल रहेगा वो कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। कभी कभी मार्केट में 120 एंगल इंक्लूडेड वाले भी वी ब्लॉक मिलते हैं। ठीक है, दो टाइप के वी ब्लॉक रहते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी, डिपेंड अपॉन देयर एक्यूरेसी एंड टॉलरेंस। मतलब ये कितनी क्लोजली मैन्युफैक्चर हुए है, उसके हिसाब से ग्रेड ए और ग्रेड बी, ऐसे दो वी ब्लॉक्स आपको मार्केट में मिलेंगे। तो अभी ये तो हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो अभी इसका यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने के लिए मैंने पहले ये जो यहाँ पे है सिलेंड्रिकल जॉब है, मुझको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। मतलब इस सर्कल का वो जॉब का सेंटर निकालना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे एक हाइट गेज लिया है। आप देख सकते हो कि मैंने सरफेस प्लेट के भी टाइम बताया था कि सरफेस प्लेट का यूज़ क्या क्या है, कि इट इज़ यूज एज ए डाटम और माउंटिंग द अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका सरफेस कैसे है, फ्लैट है। ये फ्लैट होने की वजह से मुझको यहाँ सरफेस प्लेट पे रखने के लिए ये सरफेस प्लेट का यूज़ हो रहा है। तो अभी इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, देखो मैं क्या करूँगा, पहले इसका इसका टॉप का डायमेंशन ले लूँगा, मतलब हाइट कितना है वो ले लूँगा। इसका हाइट है 116, ठीक है। सेम इसका बॉटम का हाइट ले लूँगा कितना है, उसके बाद टॉप माइनस बॉटम करूँगा और जो आएगा तो उसको क्या करूँगा, ये जो मेरा हाइट गेज है इसको ऐसे ये करके यहाँ पे ऐसी लाइन ये करूँगा। सेम मुझको क्या करना है, इसको क्या करना है, 90 डिग्री में रोटेट करना है और वापस सेम प्रोसीजर करना है। मतलब किसी सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर निकालने के लिए क्या होता है, वी ब्लॉक का यूज़ होता है। सेम यहाँ पे ये वी ब्लॉक है, अगर कंसिडर करो मेरा अभी ये शाफ्ट जो है ये इसका लेंथ है कम है, लेकिन सेम अगर मेरा कोई शाफ्ट है जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है और वो मुझे क्या करना है, उसका कुछ तो मेजरमेंट करना है या कुछ करना है, तो मैं ऐसे छोटे वी ब्लॉक पे रख के उसका मेजरमेंट नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर दो वी ब्लॉक चाहिए जहाँ पे रख के मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसका मेजरमेंट कर सकता हूँ। अभी देख सकते हो आप, ये देखो मैंने इसका मैग्नेटिज्म ऑफ किया तो ये क्या हो रहा है, हिल रहा है देखो। ठीक है, अभी सेम मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसका मैंने क्या किया, मैग्नेटिज्म ऑन किया। अभी देखो मूव हो रहा है नहीं, ये एक वी ब्लॉक का यूज़ है। सेम अभी इसको कंसिडर करो आप, ये जो एंगल प्लेट है, ये एंगल प्लेट क्या है मेरा,
एक मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है, पेस्ट पार्ट है। मैंने एक शीट था उसको क्या किया, 90 डिग्री में बेंड किया, ऐसा ये मेरा शीट है। अभी इसका ये बॉटम का सरफेस फ्लैट है, लेकिन ये जो बेंड है ये 90 डिग्री है या क्या है मुझको चेक करना है। तो कैसा चेक करूँगा मैं, वी ब्लॉक को मैं ऐसे रखूँगा यहाँ पर और ये सरफेस क्या करूँगा, इसको ऐसे टच कर दूँगा। टच करने के बाद मैं इसका एंगल मेजर कर सकता हूँ या इसकी हाइट मेजर कर सकता हूँ। मतलब जो 90 डिग्री में जॉब रहेंगे उसका अगर मेजरमेंट करना है आपको, तो आप ये क्या कर सकते हो, वी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। ये ऐसे वी ब्लॉक के यूज़ थे। और एक इम्पॉर्टेंट वी ब्लॉक का यूज़ बताने का रह गया कि वी ब्लॉक में क्या करना पड़ता है कि कंसिडर करो कि मेरा ये मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है सिलेंड्रिकल, मुझे इसका राउंडनेस चेक करना है। राउंडनेस मतलब क्या है कि ये कंप्लीट राउंड है कि नहीं चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये वी ब्लॉक के यहाँ पे मैं डायल इंडिकेटर रखूँगा ऐसे यहाँ पे, और ये वी ब्लॉक को क्या करूँगा ऐसे रोटेट करूँगा। मैं जैसे जैसे रोटेट करूँगा अगर उसके डायमीटर में कुछ चेंजेस है तो क्या होगा, मेरा डायल इंडिकेटर क्या करेगा, रीडिंग देगा। मतलब वी ब्लॉक का यूज़ आप राउंडनेस चेक करने के लिए भी कर सकते हो। इतने ये वी ब्लॉक के यूजर, जैसे आप देख सकते हो कि वी ब्लॉक का यूज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक आधा सिलेंड्रिकल जॉब है उसका राउंडनेस चेक करने के लिए कैसे होता है। यहाँ पे मैंने सेटअप किया है, यहाँ पे एक डायल स्टैंड है, यहाँ पे एक डायल है, एक सर्कुलर जॉब है, वी ब्लॉक है। तो कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। मैंने ये जो डायल है वो कितना है, 0.01 मतलब 10 माइक्रोन का डायल है। उसके बाद मैंने यहाँ का अंदर का जो प्रेशर लीवर है मैंने कहाँ पर सेट किया है, 3 और 4 के बीच में सेट किया है। सेम ये जो पॉइंटर है ये 0 पे सेट है। अभी इसका अगर मुझे राउंडनेस चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे धीरे धीरे इसको रोटेट करना पड़ेगा। इसको रोटेट करते टाइम मुझे क्या करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि ये कितना मूव हो रहा है, मेरा लिमिट क्या है। प्लस 10 माइक्रोन है मतलब प्लस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 90 पे मेरा है, तो इसके बाहर ये जाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा लिमिट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहा है और मेरा अंदर का जो पॉइंटर है वो कहाँ पे है वो देखना है मुझे। मेरा सॉरी, ये देखो ऐसे मैं इसको रोटेट किया तो मेरा ये जो राउंडनेस है ये प्लस माइनस के मेरा जो रेंज है उसके बीच में ही है। तो आप ऐसे इसका वी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं राउंडनेस चेक करने के लिए। मैंने जैसे बताया कि मैं मैक्सिमम आपको क्या करूँगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊँगा, इसलिए मैंने क्या किया पहले वीडियो में बताया था, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर कुछ गलतियाँ लगते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।